हाँ तो देखिए, आज हम दिखाएंगे आपको शीट नंबर 43 में किसी भी डेट के पहले दिन को, जैसे कि हम इसमें लिख लेते हैं, जैसे कि मान के चलो संडे लिख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इस डेट से पहले संडे कब था, जैसे कि लिख लेते हैं अभी अभी संडे, ठीक है ना। संडे हो गया हमारा, इसके बाद करेंगे हम इसे नीचे तक ट्रैक, ठीक है। तो संडे मंडे, ठीक है। इसने पूछा कि 1/1/2020 इस तारीख से पहले संडे कब था, ठीक है। एक एक इस दिन हमें ये नहीं पता, इस दिन दिन कौन सा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि संडे ही हो, ठीक है ना, कोई भी दिन हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे इस तारीख से पहले संडे कब था। तो इसे निकालेंगे हम, यहाँ से क्या लगाएंगे, एक बार फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लेंगे वैल्यू, वैल्यू लेने के बाद करेंगे माइनस, माइनस ले करने के बाद लगाएंगे वीक डे, ठीक है। वीक डे ब्रैकेट स्टार्ट होगा, इसके बाद फिर ये वैल्यू लेंगे, ठीक है। वैल्यू लेने के बाद करेंगे माइनस वन, माइनस वन क्यों, क्या, क्योंकि हमने संडे का निकाला, ठीक है। संडे का कोड पता ही होगा आपको, जैसे संडे का कोड एक है, उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, एंटर करेंगे। तो संडे इस तारीख से पहले कब था, इस तारीख से पहले संडे कब था, 29/12/2019 को, ठीक है। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में एक बार देखा भी, हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे कि कोड फिर भी, ठीक है। संडे हो गया, संडे होने के बाद इसे करेंगे हम नीचे तक ट्रैक, ठीक है। मंडे हो गया, इसके बाद यहाँ से डाल लेते हैं नीचे तक, फिल कर लेंगे इन्हें भी कोड, जैसे कि आपको पता लग जाए। ये कोड हो गया, इसके बाद करेंगे क्लिक, इसके बाद फिल हो गया हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। फिल करने के बाद अब हम देखें यहाँ से देख रहा है कितने तारीख, इससे पहले संडे कब था, 29/12, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि आपने पिछले उसमें शायद देखा भी होगा, एक बार हम इसे बढ़ा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस करा हमने, बढ़ा लिया, इसके बाद एक बार यहाँ फिर भी निकाल कर देख लेते हैं, जैसे कि इस तारीख को संडे ही था। क्या था उसका फॉर्मूला, जैसे कि आपने पिछली शीट में देखा भी होगा, या तो फॉर्मूला लगा लेंगे या फिर कुछ और, ठीक है। तो हम इसमें दोनों प्रकार से दिखाएंगे, जैसे कि सबसे पहला कौन सा लगेगा हमारा, वीकडे लगा लेंगे हम, इक्वल WEE के वीकडे, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। तो क्या आया, एक आया, इसीलिए हमने देखो यहाँ इसका फॉर्मूले में भी एक लगाया था, ठीक है। तो संडे हो गया, यदि यहाँ भी सही से पता नहीं लगा तो एक बार और देखते हम दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2 हो गया इक्वल टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट करा और वैल्यू लेंगे हम, ये वैल्यू लेने के बाद कोमा करेंगे और इन्वर्टेड कोमा और करेंगे यहाँ 4 बार D, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या आया, रविवार आया ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं किसी भी सीट का वो, ठीक है। तो अगली बार हम देखते हैं इसका, इसने बोला कि 25/2/2015 से पहले क्या था, मंडे कब था, ठीक है, सोमवार कब था। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल करके, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल लेके हम लेंगे डेट, डेट ले ली, डेट लेने के बाद करेंगे माइनस, ठीक है। माइनस करने के बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला WEEKDAY, ठीक है। वीकडे हो गया, इसके बाद लेंगे हम वैल्यू, वैल्यू कौन सी है हमारी, फिर से यही वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू करेंगे माइनस, ठीक है। माइनस करने के बाद कितना है, 2, मंडे के लिए क्या था, 2, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला ये 2 करा और एंटर कर दिया, ठीक है। तो इस तारीख से पहले मंडे जब था, ठीक है। तो इस बार करके देखते हैं, एक बार फिर भी हम ट्राई करेंगे। यहाँ इसका लगाया टेक्स्ट इक्वल, ठीक है ना, टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट करने के बाद ये वैल्यू ली कोमा, इन्वर्टेड कोमा और करेंगे 4/D, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद, एंटर, ठीक है। तो क्या था, सोमवार था, ठीक है। हमने जैसे कि सोमवार के लिए 2 डाला, तो इसीलिए एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। चलो जैसे कि फिर भी यहाँ इसका कोड तो आपने निकाल ही लोगे इस प्रकार, उसी प्रकार से, ठीक है। तो एक बार यहाँ से हम निकाल लेते हैं इस दिन कौन सा दिन था, जैसे कि इसी के सामने निकाल लेते हैं इक्वल टेक्स्ट, या फिर कोड से निकाल लो या फिर टेक्स्ट से, आपको समझ आना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। तो हमने 2-3 प्रकार से आपको दिखा दिया दिन कैसे निकालते हैं, किसी भी डेट से दिन निकालना। तो ठीक है, सबसे अब यहाँ लगा लेंगे हम वीक, या तो वीक डे से लगा लो या टेक्स्ट, ठीक है, वीक से निकाल लेंगे हम, तो ठीक है वीक, चलो वीक डे, ठीक है। वीक डे हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, हमने वैल्यू ली अगली और करा एंटर, ठीक है। तो 4 आया, 4 का मतलब हो गया ट्यूजडे, ठीक है। तो इस दिन क्या था, ट्यूजडे था, बुधवार था। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बुध, मंगल और, ठीक है, हाँ हो गया सोमवार, यानी कि 24 तारीख का क्या होगा, मंगल और 25 का बुध, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान के चलो एक बार और यहाँ भी दिखा देते हैं हम, फिर भी आपको वीक डे ही लगा के, चलो वीक डे का तो उधर निकल ही गया, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। इसके बाद दिखे यहाँ इसका देखते हैं, इसने बोला ट्यूजडे, यानी कि इससे पहले, इससे यानी कि 1/1/2022 से पहले, 1/11/2022 से पहले ट्यूजडे कब था। तो उसके लिए फिर वही फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, जैसे कि अभी आपने लगाया था इक्वल, ले लेंगे डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करने के बाद माइनस, माइनस लगाने के बाद वीक डे,
वीकडे लेने के बाद फिर से वैल्यू लेंगे कॉमा माइनस, क्या इसका ट्यूसडे का क्या है, ट्यूसडे का है हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ से ले लेंगे हम 5 और ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर, ठीक है। तो 27/10/2022 को ट्यूसडे था, इस तारीख से पहले 27 तारीख को ट्यूसडे था, ठीक है। इस इन दिनों का हमें पता नहीं कि ये दिन किस दिन के हैं, ठीक है। तो हमें तो ऐसे ही बता दिया कि भाई इस तारीख से पहले ये दिन बताओ कौन सा दिन था, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो आज का कोई दिन है, उस आज से आज ये तारीख है, इस तारीख से 3 दिन पहले का दिन वो कौन सा था, या 2 दिन पहले, या कोई भी इसी प्रकार से कोई भी वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख बार और फिर देखिए, यहाँ से कभी हम निकाल के दिखा देता है। इसने बोला वेनसडे, वेनसडे का कभी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, इस यानी कि 6/3/2020 से पहले वेनसडे कब था, ठीक है। इक्वल लगाएंगे, इक्वल लेके वैल्यू लेंगे, वैल्यू लेने के बाद करेंगे माइनस, इसके बाद लिखेंगे वीकडे, ठीक है। वीकडे लेने के बाद करेंगे हम फिर से दोबारा डेट लेंगे और माइनस, कितना नंबर कोड है वीक इसका, वेनसडे का 4, ठीक है ना। वेनसडे का कोड हो गया 4, यहाँ से ले लिया हमने 4, 4 लेने के बाद करेंगे ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। तो 6 तारीख से पहले इस दिन ये दिन था वेनसडे को, ठीक है। तो जैसे कि एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा भी होगा वेनसडे है, एक बार रिचेक फिर भी आप करके दिखा देते हैं। रिचेक क्या था, रिचेक करने का फॉर्मूला, या तो फिर संडे डाल लो, या फिर टैक्स डाल, ये टैक्स से निकाल लो, या फिर वीकडे से निकाल लो, ठीक है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, वीकडे से निकाल देते हैं, वीकडे से थोड़ा था, या फिर टैक्स से, चलो टैक्स से निकाल देते हैं, इक्वल टेक्स्ट, ठीक है ना। टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट करने के बाद ले लिया हमने ये वैल्यू, वैल्यू लेने के बाद करेंगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा और 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार करेंगे डी और करेंगे ब्रैकेट बंद और एंटर, तो ठीक है बुधवार आ गया। इसी प्रकार से हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए देखो ये एक फॉर्म, ये भी याद रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि उससे निकालोगे ये कोड से, वीक डे से निकालोगे, तो ये कोड याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू को, चाहे इसमें कोई भी हो, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे करेंगे हम नीचे तक एक बार फिल तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये हमने इसमें लगा के रखा कोड, क्योंकि देखो इसमें 4 है, ये फिर इसमें भी बोलेगा कि वेनसडे पूछा इसने, तो इसी प्रकार से एक बार ये हमें निकालना ही पड़ेगा। इक्वल करेंगे, फर्स्ट वैल्यू ली, माइनस वीक, ठीक है ना, वीक डे, इसके बाद फिर मैं वैल्यू ली, माइनस करा, कितना है ट्यूसडे का, हो गया 5, माइनस 5 और करेंगे एंटर, ठीक है। देखो इसने बोला कि एंटर करो पहले, ठीक है ना। तो इसने दे दिया डेट, इसे करेंगे हम जनरल में जाके चेंज, ये हो गया हमारा डेट, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया हमारा डेट, इससे पहले कब था, 23/8/2018 को ट्यूसडे था, तो फ्राइडे कब था, फ्राइडे का भी इसी प्रकार से, या फिर फ्राइडे का हम यहाँ निकाल लेंगे, कोड निकाल देंगे, चलो फ्राइडे का, फ्राइडे का हो गया इक्वल वीक डे, ठीक है, वीक डे ले लिया, इसके बाद ये लिया और एंटर किया, तो ठीक है। इसके बाद फ्राइडे, तो ये तो कोड निकाल दिया हमने फ्राइडे का, ठीक है ना, ये फ्राइडे का कोड हो गया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी उसका, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से फ्राइडे को ही ये दिन था शायद, इस प्रकार से एक बार चेक कर लेते हैं का है कन्फर्म या नहीं, ठीक है ना। टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट करने के बाद लेंगे वैल्यू, वैल्यू लेने के बाद करेंगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, 4 बार डी, 4 बार कर लो या 3 बार कर लो, ठीक है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो बुधवार वेनसडे ही, इसने यहाँ क्या गलती करा भाई, हमने कौन सी वैल्यू ली, C9 4 वेनसडे, ठीक तो है। अच्छा इसने फ्राइडे पूछा था भाई, हमने फ्राइडे का कोड नहीं डाला था वहाँ, ठीक है, कोड नहीं डाला था, क्योंकि हमने डायरेक्ट निकाल दिया इस डेट से, ठीक है। चलो फ्राइडे का निकाल लेते हैं, एक बार से करते हैं हम डिलीट, इन दोनों को करेंगे डिलीट, फ्राइडे का निकालना है तो फ्राइडे का ही निकाल लेंगे। इक्वल फ्राइडे का कैसे करेंगे, वैल्यू लेंगे को माइनस वीकडे, ठीक है। वीकडे करने के बाद फिर से क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, वैल्यू लेने के बाद माइनस और फ्राइडे का कोड क्या होता है, फ्राइडे का होता है 6, ठीक है, और करेंगे एंटर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, इसके बाद करेंगे हम फिर से ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे, इसके बाद ये हो गया हमारा फ्राइडे कब था, 17/11/2021 से पहले 12/11/2021 को फ्राइडे था, तो ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे के बाद हमारी शीट नंबर जो है, शीट नंबर है 44, 44 में दिखाएंगे हम टोटल डे,
कैसे निकलते हैं, ठीक है ना, कि शेड्यूल्स का टोटल ये कितने हैं, इस साल से उस साल तक कितने साल के बीच कितने साल है वो निकाल के दिखाएंगे। ओके okay.